बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप यकीनन मुझे सेम ड्रेस में देख रहे हैं और देखना भी चाहिए क्योंकि मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं दोबारा हाजिर खिदमत हूंगा और आपको दोबारा लिए चलूंगा वहीं पे जहां पे शादी हो रही है और शादी का मौसम आए हाय हाय और बाब्या और वो सारा जो मजा आ रहा था मुझे, यकीनन आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और मैं दोबारा एंजॉय करने के लिए वहीं पे जाना चाहता हूँ क्योंकि जहाँ पे खुद खाना मैं नहीं कहता लेकिन खुद खाना ही हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पे जो ढोल ढमका हो रहा है और जो सारा कुछ सिलसिला चल रहा है उसकी तरफ चलते हैं और आई जरा एंजॉय करते हैं हम दोबारा से वहीं से। चंगे मरासी ने पिंड शहर गए बड़े बड़े दूर इलाके गए भूखे नहीं है मिंदा ही मरी है ना तीसरी सिम भी अपनी एडजस्टमेंट कर रही है ये भी याद रखना। नहीं वो सिम एक्सपायर हो गई है बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं सिग्नल आ रहे हैं सिग्नल तो मैं ये भाई जी तुम्हारी बोटी है तुम्हारे पुत्र की नूह है तुम्हारे भतीजे की नूह है हम चले इस जहां से मैं सीरा मेरे नाल ना जा अच्छा एक कुछ दिन बिताने नहीं बड़े बड़े पिंड गया शहर गया और बड़े उन्हें बेला करवाया और यकीन करो इन्हें गुनाया इसके बाद जी मर जाएगा हम चले इस ये ताया बुक निकाल है हम चले आप साइड पे ये उठे साइड पे आप शादी करना चाहते हैं उनसे बैठे रहे यहीं पे बैठे रहे। आप भी शादी करना चाहते हैं आप तो मैं तो शेर शेर बैंक की तियाल बैठा हूं। अच्छा आप भी शादी करना चाहते हैं
आप अठे जी, आप उठे उठ के उधर बैठ जाए, उधर बैठ जी जी मैं आलम। आपका बजट डिस्टर्ब है ये बात आप ख्याल रखिएगा। आप बताएंगे जो सबसे पहले अच्छा, मैं तो शादी के लिए इतनी जोर से आई हुई शादी आपको मैं बता नहीं सकता। पहले हम तीनों से इनके हालात पूछते हैं, मुझे ये बताएं आप इनसे शादी करना चाहती हैं? आपके पास क्या क्या है मुझे बताएं। मेरे पास 21 मरब्बे हैं, 21 मरब्बे शीशे में पैक हैं। किस काम के? खाने वाले मरब्बे। जी आप बताएंगे। मैं आपके पास क्या क्या है इसको देने के लिए? मेरे को ते 4 अदद ढोल ने चेलिया बचे पीपड़ी भी पा, एक पीपड़ी नहीं है बच्चे का। सुनना अम्मी जी ने 2 कंगड़े जोड़े भी पा, वो उम्र किस तरह हो गए सारे अपनी सीबी बयान कर दी। बाबा जी अब आप बताएं, अगर आपसे ये रिश्ते अजवाज में आती हैं तो इनको आप क्या क्या देंगे? ठीक है मतलब जो जमीन आप बोलेंगे अगर वो आप इसको दे सकते हैं तो फिर बताइएगा। मतलब उस जमीन का बताए जो आपके बच्चों के पास है या जो आप दे चुके हैं जमीन, वो वाली ना बताए जो आपके अपने नाम पे है, जो आप इस बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं वो बताए। उसको बताए क्या क्या है मैं नाम करना सच्चा है। 5 किलो जमीन है, कोई 6 मजीनो 6 मजीनो 5 गाय बच्चे मतलब मांग बुझा तो इनको आप रिश्ते में पहला मुंह दिखाई क्या, कौन सी गाड़ी गिफ्ट करेंगे? जड़ी ना फरमाइश की चीज़ कोई गाड़ी नहीं है। होंडा सिविक वगैरह कर सकते हैं? ये कर लो मेरी कमी। यासीन साहब अगर ऐसे रिश्तेदार हो तो दुश्मनों की कमी नहीं है। ऐसे रिश्तेदार होता है जैसे भाई के बेटे की खुशी नहीं देखी जा रही इस बुड्ढे से। ऐसा बुड्ढा है ये, इस बुड्ढे को तो बुलाना नहीं चाहिए था मैं शादी में। अच्छा बताए अब लड़की से पूछते हैं, लड़की क्या चाहती है? मैं कोई लालची तो नहीं हूँ लेकिन मेरी खुशी इसके साथ है। जीओ में जा पा नहीं जा गया है। ताया जी तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़े, तुम्हारी टांगे टूटे, तुम्हारी कांपे टांगे। ओहो मेरी गलती सुन लो, खुशी में किया मेरा एक अच्छा दोस्त ये बन सकता है, गुड दोस्त। कभी कभी इससे मिल लिया करूंगी लेकिन फिलहाल मेरा फैसला कि मैं शादी जल्दी से करने जा रही हूँ। ताया 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 तत्ते बन्ने ते बुलाया और तू बड़ी मुगली थलो निकल आया मेरी बुजी को के लिया मेरे पड़ में ये तो मेरी आपकी मैं लुटिया ताया खुशी नहीं मिलेगी आप इस बात दांत टूटे तीसरी टांग तो मैं तोड़ूंगा ये लकड़ी बस।
मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, चला शादी करने बाबा बुड्ढा। किसे शादी नहीं कर बोली है ना गवादी। अच्छा तो ना बेला नहीं तो ना हो। एक दिन बात भी हो रहा, आज भी खुल रहा। यार मैं क्या देख रहा हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। ताया जमालुद्दीन, आपने कहा था कि एक दिन बाद देखें और वाकई में देख के हैरान हो गया कि ये हुआ क्या है। ए जनाब देखो ना, ए जनाब ये कहानी सच्ची है, सिर्फ दिन के लिए कहानी है। ए सारे एक ही प्लाटे की मार होना जी। नाचन अंकल मुझे 5 पनाल मीन मिली है। पचनाल नहीं होती, कनाल होती है। और आपको? मुझे भी 2 कनाल दिया ताया जी ने जमीन, क्या करें, जरूरत थी। आप फौरन से ताया जी हो गए। जी ताया जी ने दिया। ताया तेरी टांगे टूटे, ताया तेरे। नहीं नहीं, वो तो वक्त की ऐसी। जी जी मुझे भी 2 कनाल आपको जी। और ये ने एक एक जो ना 5-5 मरले का पूरा मकान बना के दिया है जी। उसके अलावा जो आपको पता है जी लगता है ना जी, और इसलिए हमें जो ना वो हीटर का भी बंदोबस्त करके दिया है। और उसके अलावा किचन में कहते हैं जी कि सारी चीजें खत्म हो सकती है, करेले गोटी खत्म। यासीन अंकल, यासीन अंकल आपको बताऊं, पहचानी जो जुलूली होता है ना, वैसा जुलूली वैसे खालिश वाली भी होती है। जो जुलूली होता है ना लड़की को, क्या है ये बदन शक्ल चुंजी दी नासा वाली लड़की पहचे हो तो और भी मिल जाती है। पास चाहिए ना गल सुनो अपना यसीन मलक पत्रिका यदा ए उड़ा है। कान बंद करो सारे। अच्छा मैं सब कुछ वापस जाके। ओए आपने कान बंद करो। काजी कौन कहता ना, गल सुनो ना, ए अपना ये बुगा है पिता का स्कूल चला। जी जी फिल्मों से भी कुछ नहीं होना। आपकी शादी हो गई, बड़े अच्छे से हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। और मेरे ख्याल में आप इस बारात को चले जाना चाहिए। या ये ताई जी, ये घर किसका है? ये बड़ा प्यारा घर नजर आ रहा है। ये हमारा घर है। हमारा घर है। पापा वकील ने मेरे नाम कराया यकीन अंकल। मैंने कब करवाया तुम्हारे नाम? बाबा देखते ही मुकर गई हो, मुझे लगता है अगला प्लान बाबा का यही है। जिंदगी मौत तो कोई नहीं ना पता, इनके शादी का तो कोई पता नहीं है जी। अरे वाला कौन है, मुझसे बेहतर कौन जानेगा, कोई पता नहीं शादी का। जी जी हाँ जी, ऐसे समझ में। जी मैं जरा यार भाई से बात करूंगा जी। घूंघट देख रहे सर, घूंघट देख रहे सर फुल। खाना खाने जाना है। ये ड्राइवर किसी ने कच्चा ही पुट लिया। यार मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, प्राडो और सिविक आ कहां से गई रातों रात? शादी हमें तो नहीं होती। आई होई एक बात में भी पड़े। वैसे बाबा जी एक हद कोई मेहरान ही यहां पे तोड़ दे, हमें भी कुछ आपकी तरफ से आना चाहिए ना। जी जी स्वाडे प्रोग्राम ना सारी बाहर बनी है। चलो जी एक कल तो स्वाडे नाम ही होगी। हां जी इधर कल्टस हो गई, मेरी भी एक ही ऋषि बात सुनेंगे। चले जी मैं इधर जाता हूँ जी अब। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आखिर में आपसे एक बस सीन में लूंगा। अयाज भाई मैं अगर आपकी तरफ आऊँ, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो सारा सिलसिला आपने देखा, ये आप इससे खुश हैं या ये प्लॉटों के मामले हुए, रिश्ते बदले, लड़की ने अपनी जो तेवर है वो बदले और पूरी बिलादरी ने एक जो है बाबे के लिए एक जवान जान खूबसूरत लड़की को जो है वो
चले उसमें बर्बादी का शिकार वो खुद भी हुई है, लेकिन ज्यादा किरदार तो बाबे का भी था कि उसको अब जहाँ पे अपना डोनेशन करनी चाहिए थे उसने पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं है, अगर आप इसको किसी भी दुनिया की सोसाइटी में जाके अगर देखते हैं तो वहाँ पे इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात आपको नज़र आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं मादियत परस्ती में आती हैं, और जब एक पैसे का इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा तो वो रिश्ते भी आगे जाके उसी तरह मादियत का ही शिकार हो जाएंगे। मैं 110% ये कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं चलने वाली, जो मुझे लग रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, कंपेयर नहीं है ना। एक 19-20 साल लड़की का आप जब 80 साल के बुढ़े के साथ शादी करवाएंगे तो 60 ईयर बिटवीन ए ह्यूज डिफरेंस। तो आप क्या कहते हैं कि हम कैसे इन लोगों को नसीहत करें कि ना करो यार? देखिए, शादी के लिए चंद चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो दोनों की मर्जी अपनी जगह पे सबसे इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन उस मर्जी के साथ साथ जो उनके हालात व वाकयात हैं उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मर्जी में ये हमें हमारी जो सोसाइटी है वो भी इसकी इसका ख्याल रखती है, हमारा दीन इसका ख्याल रखता है, वहाँ पे भी कुफ्र की बात होती है। और अगर जहाँ पे रियल असल मोहब्बत अगर नहीं होगी, असल मर्जी नहीं होगी, तो वहाँ पे ये पैसा, प्लाट, ये कहीं भी जाके आगे कि ज़्यादा आगे भी नहीं चलेंगे, ये काम ख़राब कर देते हैं। और वहाँ पे जो मामलात होते हैं वो यकीनन कहीं पे भी आप उसको ऐसा नहीं देख सकते कि वो किसी जगह पे स्टैंड कर सके। बड़ी प्यारी बात की थी यार भाई ने, और क्योंकि इनकी निगाह होती है, हर चीज़ पे नज़र होती है। बाबा जी, अब आपने क्या सोचा? इतनी प्यारी बातें हमने की, अब आपकी आंखें खुल गई, अब आपको शर्म आ रही है? यार कल इस तरह भाई प्रोफेसर साहब दी ਸਵਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਚੋ ਤਾਈ ਸਵਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੀ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੇ ਬੋਝ ਦੂਆ ਤ੍ਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਕੋਈ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਬਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਉਤਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਿਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜੋੜ। ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ 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 ਦ